तो डाउन सेड की सबसे पहले नुकसान की तरफ बढ़ते हैं द एनविमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बैटरी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरी पर चलती है और इन बैटरियों के लिए लीथियम और कोबाल्ट की माइनिंग करनी पड़ती है और वो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है माइनिंग की वजह से ज्यादा पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा काटा जा रहा है उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन वाटर पॉल्यूशन और सॉइल कंटेमिनेशन भी होता है इससे कुछ माइनिंग्स पर तो बच्चों को भी काम पर रख लेते हैं इससे चाइल्ड लेबर एक्ट का भी उल्लंघन होता है उसकी वजह से बच्चों की एजुकेशन पर भी असर पड़ता है आइए एक 2021 की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पाया गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में माइनिंग की वजह से डिफोरेटली वहां के माइनिंग इंडस्ट्री चाइल्ड लेबर के साथ साथ ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन किया जाता है एथिकल कॉन्शियस कंज्यूमर्स को ये जानने में मुश्किल हो सकता है कि उनकी ईवी बैटरी रिस्पॉन्सिबली बनाई गई थी या नहीं आइए एक यूनिसेफ के के रिपोर्ट हिसाब से 2021 के 2021 में करीब चालीस हजार बच्चे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के माइनिंग में काम कर रहे थे जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर का उल्लंघन होता है तो आइए इसके थर्ड डाउन साइड की तरफ आगे बढ़ते हैं चैलेंजेस ऑफ द बैटरी डिस्पोजल ईवी बैटरीज कई सालों तक चल सकती है लेकिन एट द एंड उन्हें बदलना जरूरी है हालांकि ईवी बैटरीज को रिसाइकल करना एक कॉम्प्लेक्स और हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है करंटली अभी बढ़ती बैटरीज के वेस्ट को संभालने के लिए पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं है एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के 2023 के रिपोर्ट में बताया कि ईवी बैटरीज की रिसाइकलिंग एक मेजर अपस्टैकल है करंटली सिर्फ 5 परसेंट बैटरीज को ही रिसाइकल किया जा रहा है तो इसके अगले साइड की बात करेंगे तो द ग्रिड एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीज को पूरी तरह से क्लीन बनाने के लिए उन्हें चार्ज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए हाउएवर कई रीजन्स बिजली उत्पादन के लिए अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है एडिशनली एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इसे आगे बढ़े तो एक कॉल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अच्छी खबर यह है कि ईवी इंडस्ट्री में कांस्टेंटली सस्टेनेबल और एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है कंज्यूमर्स उन कंपनियों की तलाश कर सकती हैं जो रिसाइकलिंग मटेरियल्स का उपयोग करना और कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन में से कोबाल्ट माइनिंग करने की तरफ पूरी तरह से समर्पित है सो so, इस पूरे यानी कि डार्क साइड ऑफ ईवी की वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है लेकिन वो कोई अचूक उपाय नहीं है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की तरफ काम करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्लीनर एंड एक बेटर फ्यूचर को आगाज कर सकते हैं वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच और भी आपको कोस को साइड का डाउन साइड जानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो और तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो थैंक यू सो मच